नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चल रहा है मिशन काउंसलिंग 2022 फॉर सीयूटी यूजी। दोस्तों, हम लोग इसमें 100 वीडियोज कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 16 वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा 17 वीडियो होने जा रहा है, जो कि है बीएचयू के फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी आप किस कोर्स में जा रहे हो और उसमें आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, एनुअल देना पड़ेगा, सेमेस्टर्स देना पड़ेगा, कुल कितना खर्चा आने वाला है, ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, इससे पहले जो वीडियो गया था उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेज और मेन कैंपस, साथ साथ एमएमबी और आरजीएससी में कौन कौन से कोर्सेज की कितनी सीटें हैं और वो कोर्स किस किस कॉलेज में चलाया जाता है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि इन दोनों वीडियो के बाद जो हमारी कमिंग वीडियोज है वो आपके कट ऑफ एनालिसिस होगी। तो कट ऑफ एनालिसिस जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके कितनी सीटें किस कोर्स में पाई जाती है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आपके लिए जो एक बहुत बड़ा काम दे रहा हूँ मैं, वो दे रहा हूँ, बहुत आसान काम है, छोटा काम है, कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग का टारगेट है 100 वीडियोज फॉर 100K। आपको 100 वीडियोज काउंसलिंग के लिए दूंगा, जिसमें आपको बीएचयू पाठशाला को 100K ले भी जाना है। ये एक बड़ा टास्क और रिवोल्यूशनरी हो सकता है, तो क्यों ना आपका हिस्सा बने। सो प्लीज सपोर्ट करें बीएचयू पाठशाला को, क्योंकि आपके लिए इतना जोश जो मैं दिखा रहा हूँ वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इस परिवार का हिस्सा बने। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं फी स्ट्रक्चर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें सबसे पहले है बीए ऑनर सोशल साइंसेज। बीएचयू में बीए के दो भाई हैं, एक बीए आर्ट्स और एक बीए सोशल साइंसेज, जिसमें ₹1982 रखा गया। ये आपकी रेगुलर फीस है, एक सेमेस्टर की फीस है। लेकिन जब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं तो उसमें फीस पूरा इतना नहीं लगता है, उसमें जो फीस लगती है वो घट जाती है, मान के चलो 400 से 500 से ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग बीएचयू बीए ऑनर सोशल साइंस विथ वन प्रैक्टिकल, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ज्योग्राफी ले लेते हैं, ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिकल कोर्स है, अब उसमें जो है ₹100 बढ़ जाएगा, यानी ₹2082, ठीक है। और अगर आप दो प्रैक्टिकल ले लेते हो तो हो जाएगा ₹2182। ओके, ये सब सेमेस्टर्स का है, ये सेकेंड सेमेस्टर में बढ़ेगा। सेमेस्टर मतलब समझते हो क्या होता है ना, 6 महीने का जो पाठ्यक्रम होता है उसे सेमेस्टर बोलते हैं। 6 महीने के बाद आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हो, तो सेकेंड सेमेस्टर में फीस पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना नहीं करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा, और ये पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन सब हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग शायद ये भी सोच रहे हो कि सर पेमेंट देना कब पड़ता है, मैं बताऊंगा कि कब देना पड़ता है, आप लोग बस वीडियोज देखते रहो, ठीक है। उसके बाद बी ए ऑनर सोशल साइंस एमएमबी, यानी सोशल साइंस महिला महाविद्यालय में जो सीट रखी गई है वो रखी गई, उसकी जो फीस रखी गई है वो रखी गई है ₹1432। वन प्रैक्टिकल के साथ ₹2532, टू प्रैक्टिकल के साथ ₹2632, ठीक है। अब ये पूरे पॉइंट्स को मिला के पेड सीट जो है एक्स्ट्रा 10,000, यानी अगर कोई बच्चा पेड सीट पे लेता है, क्योंकि जो पेड सीट है वो 15% रिजर्वेशन होता है, वो आपके सुपर न्यूमरी सीट में आता है, आपके सीट के एक्स्ट्रा सीट होती है जिस पे पैसे देकर एडमिशन ले सकता है। इसीलिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा, क्योंकि पेड सीट को पूरा समझना पड़ेगा, 12 बच्चे कौन से पूछते रहते हैं, ठीक है। शास्त्रीय ऑनर्स के लिए ₹1956, ठीक है, और यहाँ पे पेड सीट के लिए आपके पास पर एनम ₹2000, ज्यादा नहीं है, 2000 ही है। बीएलएलबी के लिए ₹2282, और आपके पास यहाँ पे स्पेशल कोर्स फीस है ₹60,000। अब ये ₹60,000 जो है, ये देखो सेमेस्टर नहीं है, ये एनुअल फीस है, यानी ये आपको साल में एक ही बार देना है। लेकिन जो ये वाली फीस है आपकी ₹2282, इस ये आपको एक बार देना पड़ेगा, जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो फिर थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा, मुझे लग रहा है जो भी ₹700-800 इससे कम ही होगा, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स जो है, ठीक है, ये एफएमसी की बात कर रहा है, तो उसके लिए जो यहाँ पर रेगुलर सीट रखी गई है, रेगुलर फीस रखी गई, वो रखी गई है ₹1982, और आपका पेड सीट के लिए ₹25,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वो स्पेशल कोर्स का जो फीस है आरजीएसटी में वो ₹25,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स एमएमबी, यानी महिला महाविद्यालय में अगर आप कॉमर्स करते हो, बीकॉम करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ₹1982, ठीक है, वही सेम फीस यहाँ पे भी रखी गई है, और आरजीएसटी में जो इसका पर एनम है वो ₹25,000 है, ठीक है, यानी यहाँ पेड सीट में देखना ये दोनों की सेम वैल्यू है ₹25,000, ठीक है। अब है यहाँ पे ऊपर कर देते हैं जिससे आसानी से दिखे, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें आपका मैथ ग्रुप की जो फीस है वो ₹2842 है, और पेड सीट के लिए ₹30,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के लिए ₹2842, जिसमें आपको एडिशनल फीस ₹30,000 देना पड़ेगा, जब पेड में लेते हो तब, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है बायोलॉजी एमएमबी विथ वन प्रैक्टिकल, अगर आप एमएमबी में जाते हो और आपको एक प्रैक्टिकल भी लेना पड़ता है, तो वहाँ पे ₹3,292, ठीक है, 30,000 जो है यहाँ पे एडिशनल है। देखो यहाँ पे जो पेड सीट विथ प्रैक्टिकल है ना मेन कैंपस में, ध्यान देना, वो 45,000 हो जाता है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स मैथ एमएमबी विथ वन प्रैक्टिकल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, यानी जिसको हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर बोलते हैं, उसकी जो फीस रखी गई है वो
₹66 रखी गई है प्लस ₹5,000 रखा गया है। ये स्टार में नीचे समझा देता हूँ क्यों रखा गया। पेड सीट के लिए ₹20,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और आरजीएससी में जाते हो तो ₹30,000 पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, पर सेमेस्टर, ठीक है, कुछ केसेज में। उसके बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आरजीएससी की जो फीस है वो देखो यहाँ पे 3,366, उसके बाद ₹5,000 आपको एडिशनल और पेड सीट की सेम वैल्यू है। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी जो कि बस मेन कैंपस में है ₹3,331, ₹5,000 एक्स्ट्रा। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी ₹3,331, ₹5,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। बीपीए ध्यान दो, देखो यहाँ से बीपीए तबला सितार वायलिन फ्लूट डांस कथक और बीएफए, यहाँ तक की पूरी सीट बराबर है, पूरे फीस बराबर है ₹2,082, ठीक है, तो इसका बताने की जरूरत नहीं है। ₹10,000 आपका एडिशनल पेड सीट पर एडमिशन लेते हो तब लगेगा। उसके बाद अब आ गया बीए आर्ट्स, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे ₹1,982, अगर आप वन प्रैक्टिकल के साथ देखोगे तो ₹100 बढ़ जाएगा ₹2,082, टू प्रैक्टिकल के साथ देखोगे तो ₹2,182, ठीक है, और एमएमबी में जाकर देखोगे तो ₹2,432, यानी 432, अगर एमएमबी में वन प्रैक्टिकल के साथ देखते हो तो 232, ठीक है, 2532, यानी ₹2,532। उसके बाद है एमएमबी विथ वन प्रैक्टिकल ₹2,632, यानी ₹100 इंक्रीज कर रहा है, ध्यान देना। उसके बाद है बी वॉक टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, देखो इसको ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ पे फीस देखो ऊपर नीचे होगा, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पहले हम लोग देखते हैं किसका, कैटरिंग टेक्नोलॉजी इन होटल मैनेजमेंट, जिसका ₹1,981 एक फीस है, ₹5,000 एक्स्ट्रा है। उसके बाद ₹50,000 पर सेमेस्टर इसकी फीस है, ₹50,000 पर सेमेस्टर, ध्यान देना। ये देख लो स्पेशल कोर्स की फीस, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा था ना, ये देखो स्पेशल कोर्स की फीस है, ठीक है, और ये आपका स्पेशल कोर्स में आता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ₹1,981, ₹5,000 भी मैं बताऊंगा क्यों लग रहा है, और ये ₹13,000 पर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर है, ध्यान देना, 6 महीने में ये। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड रिटेलिंग ये ₹1,981, ₹5,000 मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल का ऐड हो रहा है, अभी देखेंगे हम लोग। उसके बाद ₹16,250 ये आपका स्पेशल कोर्स की फीस है। उसके बाद है हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसका ₹1,981, ₹5,000, आई होप कि वही प्रैक्टिकल होगा, अभी देखते हैं क्या है वो, और ₹26,000 आपके स्पेशल कोर्स का है। उसी एग्री बिजनेस का एंटरप्रेन्योरशिप का है ₹1,981, ₹5,000 एक्स्ट्रा और ₹26,000 आपका पर सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन का है ₹1,981 दोनों का है, ठीक है, और यहाँ पे ₹26,000 आपका हो जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ₹16,250 हो जाता है आपका आरजीएससी में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, ठीक है। टूरिज्म मैनेजमेंट आरजीएससी की जो फीस है वो ₹13,000 एक्स्ट्रा है और ₹1,981 वो सेम है। उसी तरीके से आप इसमें देख लो, यहाँ पे ध्यान देना वैल्यू 26,000, 13,000, 26,000, 26,000, बस ये वैल्यू चेंज हो रहा है, बाकी ये वैल्यू सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं, वो है इंस्टीट्यूशनल फी, ठीक है, वो जो सिंगल स्टार था, डबल स्टार का जो है वो है असेसमेंट फी वन टाइम, यानी ये ₹5,000 जो हाँ जहाँ लिखा हुआ था वो असेसमेंट फी है जो वन टाइम आपको देना पड़ता है। अब हम लोग आ जाते हैं, एक काम करते हैं एफिलेटेड का अलग से बना देते हैं, क्योंकि एफिलेटेड का बनाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और एफिलेटेड में कुछ समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और वीडियोज पे बने रहिएगा, हर एक वीडियोज को देखिए। बीएचयू पाठशाला के 100 के फैमिली का आप हिस्सा बने, मुस्कुराते रहे, बीएचयू पाठशाला के हर एक वीडियोज को देखें, और होपफुली कि मैं आपको बहुत जल्द कटा पे वीडियोज दूं उसको भी देखिएगा, और आप कमेंट कर दो जो भी आपके डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, उसको मैं वहां पे कमेंट कर दूंगा, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, रघुनाथ जी।